हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ अर्शदीप कौर, स्वागत है आपका स्टेटमेंट चैनल में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैनेडियन स्टडी सिस्टम की वर्सेस इंडियन स्टडी सिस्टम। तो अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। So before going into the video, I just want to give you guys a little background about myself. So मैंने recently जो diploma, I did diploma in general education from Langara College, Vancouver, और it was a nice experience. जो 2 years diploma था मेरा, और इसके अंदर जो requirement थी कि जो आपको 2 English के courses आपको करने ही होते हैं, इसके अलावा मैंने it's like general education, तो इसके अंदर मैंने जो मेरा main था stream वो था social sciences। तो इसके अंदर मैंने बिजनेस भी किया, मैथ्स भी किया, मैंने फिलॉसफी भी की, मैंने बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स किए जो बिल्कुल न्यू थे मेरे लिए, और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे जो मैं इंडिया में पहले कर चुकी थी लाइक बिजनेस एंड मैथ्स। सो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस ओवरऑल। मैंने बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर किया जो मैं करना चाहती थी लाइक जर्नलिज्म। जर्नलिज्म में बहुत ही जो प्रैक्टिकल वर्क था, हमें एक न्यूज़ पैनल जो रूम था उसमें एक न्यूज़ पैनल की तरह हमने जो डिबेट किया, अपने व्यूज़ रखे। उसके अलावा प्रोफेसर्स पर बहुत डिपेंड करता है कि आपके प्रोफेसर कैसे रहने वाले हैं। तो असाइनमेंट सिस्टम रहता है यहाँ पर, तो मिड टर्म होता था, असाइनमेंट्स होते थे, क्विजेस होते थे क्लास में, और जो 4 महीने की एक क्लास होती है, एक जो आपका कोर्स होता है उसमें आपको असाइनमेंट्स करनी होंगी, उसमें आपको क्विजेस होंगे, और फिर लास्ट में आपका जो पेपर होता है। तो असाइनमेंट्स में बहुत मज़ा आता था। आई वॉज यूज्ड टू मेक फ्रेंड्स लाइक फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। आई वॉज यूज्ड टू एक्सप्लोर डिफरेंट यू नो कल्चर्स, एंड इट वॉज रियली फन। मैंने बहुत से नए लोगों से जो सोशलाइज किया, और उनको इंडियन कल्चर के बारे में पता चला, मुझे डिफरेंट कल्चर्स के बारे में पता चला। उसके अलावा एक कोर्स में मैं फेल भी हो गई थी, उसकी भी एक स्टोरी है। इट वॉज माई फर्स्ट सेमेस्टर, इकोनॉमिक्स था मेरे पास, और मेरे चैनल पर पहले भी मैंने वीडियोस बनाए हैं कि आप अगर कोई भी कोर्स उठा रहे हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप प्रोफेसर की रेटिंग चेक कर लो। और इसका जो एहसास मुझे पहले ही मेरे सेमेस्टर में हो चुका था, क्योंकि एक प्रोफेसर थे, आई विल नॉट टेक हर नेम, तो शी वॉज माई इकोनॉमिक्स टीचर, एंड इट वॉज़ अ ऑनलाइन क्लास। तो पहला सेम था और बिल्कुल न्यू था सब कुछ मेरे लिए। इंडियन में हम ट्रेडिशनल जो हमारे पास बुक्स होती हैं, फिज़िकल बुक्स होती हैं, हम उस पर सब स्टडी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सब कुछ जो है कंप्यूटर से करना है। आपको इवन क्लास में आप चाहो तो नोटबुक लेकर जाओ, चाहो तो मत लेकर जाओ, इट इज़ ऑल ऑनलाइन ऑन योर कंप्यूटर्स, ऑन योर PC एक्सेट्रा। तो मेरा पहला सेम था, आई हैड नो आइडियाज़ अबाउट द असाइनमेंट्स एंड हाउ टू अपलोड देम ऑन माई पोर्टल। आई वॉज नॉट फैमिलियर विद द पोर्टल एज वेल। तो आई वॉज फेल्ड इन माई फर्स्ट सेम, एंड आई रिमेम्बर मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, और मैंने मम्मा को कॉल नहीं किया, मैंने पापा को कॉल किया कि पापा की ऐसे फेल हो गई मैं, और ही इज़ लाइक कि तो इसमें रोने वाली क्या बात है, कि इट्स फाइन, कि जस्ट ट्राई अगेन एंड इट्स ओके, इट्स फाइन, ज़िंदगी रुक नहीं गई है, जस्ट ट्राई योर बेस्ट नेक्स्ट टाइम। सो दीज आर द डिफरेंट फेसेस दैट यू कम अक्रॉस। मैं फेल भी हुई, और कुछ कोर्सेज मैंने इतने अच्छे किए कि आई जस्ट गॉट रियली गुड मार्क्स लाइक A+, एंड प्रोफेसर्स बहुत अच्छे थे। आई डिड बिजनेस प्रेजेंटेशन स्किल्स, इट वॉज होल लाइक प्रैक्टिकल वर्क, उसमें कुछ भी थ्योरी नहीं थी, कुछ भी आपको लिखना नहीं था। लाइक इन इंडिया वी मेक लाइक नोटबुक्स फॉर एवरी सब्जेक्ट, इट्स नथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल था, उसमें मुझे 4 प्रेजेंटेशंस थी, 2 ग्रुप थी, 2 इंडिविजुअल थी, और उसमें हमें प्रेजेंट करना था टॉपिक्स के ऊपर। आपको रिसर्च करनी पड़ती है कंप्यूटर पर खुद से, आपको सोर्सेज ढूंढने पड़ते हैं, आपको जो पूरा जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड है, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आपको एंटर करना पड़ता है। सो दैट समथिंग आई रियली लाइक अबाउट द स्टडी सिस्टम हेयर, कि आपको बिल्कुल थ्योरी में नहीं जाना पड़ता। आई रिमेंबर लाइक इन इंडिया ऑल्सो वी डिड पाइथागोरस थ्योरम। आई एम नॉट लाइक कह रही हूँ कि गलत है वो सिस्टम, आई एम जस्ट सेइंग कि क्या डिफरेंस है उसमें। तो यहाँ पर ऐसा है कि दे फोकस ऑन प्रैक्टिकल वर्क मोर। और उसके अलावा कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे थे, फिलॉसफी आई डिडेंट लाइक दैट। फिलॉसफी ऐसा सब्जेक्ट था कि मैंने सोचा कि ठीक है कर लेते हैं, ट्राई करते हैं, तो क्रेडिट्स पूरे करने थे, मैंने ले लिया, मगर मैं बहुत मुश्किल से पास हुई।
कुछ लोगों को अच्छा लग सकता है, मुझे वो बहुत अजीब लगा। मुझे आज तक उसका पूरा जो सब्जेक्ट का क्राइटेरिया समझ नहीं आया कि उसमें क्या करना था क्या नहीं करना था, सो इट वॉज लाइक नॉट फॉर मी। बट या आई डिड जर्नलिज्म, आई डिड सोशियोलॉजी, आई डिड इकोनॉमिक्स, आई डिड फोटोग्राफी कोर्स। तो फोटोग्राफी कोर्स में आपको कैमरा दे दिया जाता है, आप फोटोज़ क्लिक करते हो। इट वॉज ओवरऑल अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। एंड नाउ व्हेन आई एम लाइक ग्रेजुएटेड, स्टिल लाइक आई वॉज डूइंग डिप्लोमा इन बिजनेस बिफोर, बट देन आई जस्ट रियलाइज दैट आई एम नॉट अ बिजनेस पर्सन, टू बी ऑनेस्ट। आई हेट अकाउंट्स, दैट आई हैव टू से। क्या करना है ये नहीं पता था, लेकिन बिजनेस तो बिल्कुल नहीं करना ये मुझे ज़रूर पता था। सो दैट्स वाई आई जस्ट चोज कि मैं रैंडमली कुछ सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर करूँ, एंड आई फील कि इट वॉज अ गुड डिसीजन फॉर मी। अगर मैं बिजनेस कर भी लेती तो शायद कहीं ना कहीं मुझे रिग्रेट करता कि मैंने ये क्यों किया, जो मैं चीज़ करना ही नहीं चाहती। मगर उसके अलावा, उसके बजाय मैंने अगर एक्सप्लोर किया, नाउ आई हैव अ क्लैरिटी कि मुझे किस चीज़ में ज़्यादा मज़ा आता है, किस चीज़ में मुझे लाइक इंटरेस्ट नहीं है। तो दैट वॉज़ अ गुड वे टू नो वट आई लाइक वट आई डोंट। सो या दैट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। फॉर नाउ इस वीडियो में आपको बताने के लिए मेरे पास यही है, टू बी ऑनेस्ट। मगर आप क्या जानना चाहते हो, या फिर आपके क्या क्वेश्चंस हैं, आई वॉज नॉट कंसिस्टेंट विद माई यूट्यूब कॉन्टेंट, बट नाउ आई एम जस्ट ट्राइंग कि मैं रहूँ। आप मुझे वीडियो के सजेशंस भी दे सकते हो कमेंट सेक्शंस में कि आपको किस चीज़ पर वीडियो चाहिए, और आई विल ट्राई टू मेक अ बेस्ट वीडियो फ्रॉम माई सेल्फ। और जल्द ही मिलती हूँ आपको नई वीडियो में। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय।